संघर्ष और तकलीफ ना हो तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मिस्टर अर्थ कहे जाने वाले महाराष्ट्र के संग्राम चोगले से जब एक बार पूछा गया कि आपने ये जो बॉडी बिल्डिंग में महारत हासिल की है, या जो बॉडी बिल्डर्स की पर्सनैलिटी इतनी गजब होती है, वो आखिर कैसे होती है, इस पर उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सा वाक्य कहा जो हर किसी को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस वक्त आप चादर तानकर सो रहे होते हैं, उस वक्त हम जिम के अंदर पसीना बहा रहे होते हैं। जिम जाने का मन हर किसी का करता है। विद्युत जामवाल, जॉनी ब्राम जैसी बॉडी बनाने का मन हर किसी का करता है। अपने दुबले पतले शरीर को बदलकर एक भारी भरकम मजबूत शरीर में बदलने का मन हर किसी का करता है। खुद की पर्सनैलिटी को सातवें आसमान पर हर कोई देखना चाहता है, मगर ये सब मुमकिन होगा कैसे, क्योंकि लोग मेहनत कम और बहाने ज्यादा बनाते हैं, करने से पहले ही सोचना शुरू कर देते हैं। जब भी किसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी या सेलिब्रिटी की अट्रैक्टिव बॉडी को देखते हैं, तब तुरंत वैसा पर्सनैलिटी बनाने का दिल करता है। जिम जाने की ज्वाला भी भड़क उठती है। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन भी ले लेते हैं, जूते, प्रोटीन शेक और वो सब जरूरी आइटम जिसकी जरूरत है मसल्स बढ़ाने के लिए, हम वो सब ले लेते हैं, मगर टिके रहने का जिगर नहीं बना पाते। तभी तो एक दिन जिम जाकर आने के बाद अगले दिन सुबह उठना भारी हो जाता है, खुद के पैरों पर चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है किसी ने बुरी तरह अंधेरे में पीटा हो। भारी दर्द और तकलीफ से शरीर का बुरा हाल हो जाता है। ये सब कुछ याद रहता है, सब कुछ महसूस होता है, लेकिन इसी दर्द में, तकलीफ में और मुश्किल हालात में तुम्हारा शरीर अंदर से मजबूत होता है। तुम्हारे बेजान से पड़े शरीर में एक नई जान आ जाती है। शायद शुरू के 2-4-10 दिन बड़े संघर्षों भरे लगते हैं, मगर यकीन करो, बस इन 2 हफ्तों से ही जंग जीतनी है। जरा उस नजारे को याद करो जब तुम भीड़ से निकलोगे और लोग बस तुमसे ही अट्रैक्ट होते दिखेंगे। जो दोस्त कभी तुम्हारे दुबलेपन का मजाक बनाया करते थे, अब वही दोस्त तुम्हारे इस शानदार और अट्रैक्टिव बॉडी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और तुमसे टिप्स मांगेंगे। जिम जाना सिर्फ शरीर को मजबूत नहीं करता, बल्कि ये तुम्हें अंदर से भी मजबूत कर देता है, क्योंकि इस दुनिया का सबसे कठिन काम है खुद को कष्ट देना। जो शख्स खुद को तकलीफ दे सकता है, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है।